हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस के थ्रू, लीगल सिस्टम के थ्रू होना था। हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे। ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अक्यूज थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में शायद उनका ये जो फैसला था ठीक है। दिशा रेप केस हुआ था, उसके बाद उनको जलाया गया था, और आज जब पुलिस आरोपियों को वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई थी, तो आरोपी जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे, और आरोपी अगर भाग गए होते तो और किसी लड़की के साथ कुछ उन्होंने गलत किया होता, और आरोपी अगर भाग गए होते तो पुलिस के ऊपर जो है वो ये किया होता कि पुलिस कुछ काम की नहीं है या पुलिस जो कम पड़ी है। तो पुलिस ने वहां पे जो एनकाउंटर का डिसीजन लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, और तेलंगाना पुलिस का अभिनंदन भी करते हैं। एक्शन बाय द हैदराबाद पुलिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज नॉट हाउ अ डेमोक्रेसी फंक्शंस। देर आर द रूल्स एंड लॉज ऑफ द लैंड बाय विच द पुलिस हैव टू फंक्शन। नाउ दे क्लेम दैट दीज पीपल ट्राई टू एस्केप एंड दैट इज वाई दे वर शॉट डेड। नाउ हाउ कैन यू शूट समबडी डेड बिकॉज यू हैव अ सर्टन मैनुअल टू फॉलो व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू एस्केप। You hit them below the knees. Now, did you follow that manual or you not follow that manual? For which you need to be pulled up as the police. Secondly, you as police, how can you be so careless? You know that these are dangerous criminals. You need to have secured them so that they are produced in court to stand trial as per the law of this land. You could not have kept them together. Were their hands cuffed or not? Were they sitting far away from each other or not? For four of those criminals, how many policemen were there? These are big questions that arise. But this is not justice. Because when we say that this is justice, we are absolving the criminal justice system of this country. And we cannot absolve that criminal justice system.